सबको जय यीशु। एक बार फिर से क्रिसमस हमारे दरवाजे तक आ पहुंचा है। सबको मैं क्रिसमस की शुभकामनाएं अदा करता हूं। क्रिसमस के दिन हमारे लिए उपहार देते हैं, हमारे पड़ोस में रहने वालों को, अपने दोस्तों और जिन्हें हम प्यार करते हैं उन सबों को हम उपहार देते हैं। क्रिसमस आनंद और शांति का त्यौहार है। क्रिसमस हमारे लिए ईश्वर का सबसे बड़ा आनंद और शांति का संदेश है। हर साल हम क्रिसमस की तैयारियां करते हैं और क्रिसमस धूमधाम से मनाते भी हैं। घर की साफ सफाई, नए कपड़े बनवाना, केक एवं विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट पकवान बनाना, इन सब में हम सभी बहुत दिलचस्पी लेते हैं। लेकिन हम सब में से कितने लोग यह कह सकते हैं कि हमने हमारे दिलों को सजाने के लिए भी इतनी ही दिलचस्पी ली है? क्या हम कह सकते हैं कि हमारे दिलों में सच्ची शांति और आनंद है? लोग कई तरह के होते हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, ताकतवर हैं, कमजोर हैं, लाचार हैं और पापी हैं। आजकल हम टीवी या अखबारों में देखने या सुनने को मिलता है कि इस दुनिया भर में लोग कोरोना महामारी से ग्रसित हैं। महिलाओं पर अत्याचार एवं शोषण, धोखाधड़ी और हमारे किसानों द्वारा आत्महत्या इत्यादि देखने को मिलता है। इन सब से साबित होता है कि दुनिया भर में एवं हमारे दिलों में अशांति फैली हुई है। कई सालों से यह शांति का त्यौहार मनाने के बावजूद भी क्यों हमारे दिलों में शांति का अनुभव नहीं होता है? क्या इन सब बातों पर हमने कभी गंभीरता से विचार किया है? आज के सुसमाचार में हमें स्वर्गदूतों के मुंह से इसका जवाब मिलता है। स्वर्गदूत ने कहा, स्वर्ग में ईश्वर की महिमा प्रकट हो और पृथ्वी पर उसकी कृपा पात्रों को शांति मिले। इससे यह स्पष्ट होता है कि आनंद और शांति केवल कृपा पात्रों को ही मिलेगी। अब सवाल यह उठता है, कृपा पात्र कौन कौन है? पवित्र ग्रंथ के अनुसार माता मरियम, जोसेफ, शिष्यगण, बच्चे, ये सब के सब ईश्वर के कृपा पात्र कहलाए गए हैं, क्योंकि इन सभी में दो सार्वजनिक गुण विद्यमान हैं, और वे हैं निष्कलंकता और ईश्वरीय योजना को अपनाना। हमें कृपा पात्र बनने में कौन कौन सी बाधाओं का सामना करना पड़ता है? मुझे लगता है हमारा घमंड या अहंकार हमें कृपा पात्र बनने से रोकता है। सुसमाचार हमें यह बताता है कि प्रभु के जन का संदेश बड़े बड़े राज्यपालों तथा सम्राटों को नहीं सुनाया गया था, क्योंकि उनमें घमंड था और हमेशा बड़े बने रहने का मोह था। यह संदेश सरल स्वभाव की गडरियों को दिया गया। एक छोटी सी कहानी है। एक बार हाथों के पांचों उंगलियों के बीच आपस में बहस कर रही थी कि पांचों में से सबसे महान कौन है। भगवान ने उनको बुलाकर कहा, तुम में से हर एक यह बताओ कि अपने आप को कैसे महान स्थापित कर सकते हो। सबसे पहले अंगूठे ने कहा कि मैं सबसे महान हूँ, क्योंकि मेरे बिना कोई लिख नहीं सकता। तब इंडेक्स या तर्जनी उंगली ने कहा कि मैं सबसे महान हूँ, क्योंकि मेरे इशारे पर तुम सब काम करते हो। तब बीच के दोनों उंगलियों ने कहा, लोग हमें चांदी, सोना और हीरों से संवारते हैं, इसलिए मैं महान हूँ। तब सबसे छोटी उंगली ने दुखी होकर कहा, मेरे पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं सबसे छोटी हूँ, दुर्बल व लाचार हूँ। तब ईश्वर ने कहा, तुम निराश मत हो, क्या तुम जानती हो कि हाथ जोड़कर मेरे सामने खड़े होकर प्रार्थना करते समय मैं केवल तुम्हें ही पूर्ण रूप से देख सकता हूँ, बाकी को नहीं। इसलिए मेरी नज़र में तुम ही सबसे महान हो।
या छोटी उंगली निष्कलंकता व नम्रता का प्रतीक है। कृपा पात्र बनने के लिए हमें जरूर सबसे विनम्र बनना होगा। प्रभु मसीह का जन्म करीब 2000 वर्ष पूर्व हुआ था। हम उनका जन्मदिवस आज के दिन मनाते हैं और यह एक ऐतिहासिक घटना है। उस समय जब प्रभु मसीह उनके साथ थे, तब भी केवल कुछ ही लोग इस महानतम का अनुभव किए। बाकी लोगों ने अपने दिल को कठोर बनाकर ईश्वरीय कृपा को स्वीकार नहीं किया। आज भी यदि हम अपने हृदय को कठोर बनाकर केवल प्रभु के ऐतिहासिक जन्म का स्मरण मना रहे हैं, तो हमें आंतरिक शांति नहीं मिलेगी। प्रभु मसीह का जन्म 2000 वर्ष पूर्व की एक घटना मात्र नहीं, बल्कि हमारे जीवन में हर पल प्रभु के जन्म का अनुभव होना चाहिए। यह तभी संभव है जब हम विनम्र होकर प्रभु यीशु के सानिध्य को महसूस करते हुए अपने दिल में उनके निवास के लिए गौशाला बनाएं। हमारे पल्ली में, हमारे घर में गौशाला बनाने के लिए हम सब बहुत प्रयत्न करते हैं। क्या हमने हमारे दिलों में प्रभु के जन्म के लिए सुंदर से गौशाला बनाया है? क्या हमारे दिल रूपी गौशाला ईश्वर के योग्य है? यदि गडेरिए हमारा दिल रूपी गौशाला देखने आएंगे, तो क्या वे उसमें बालक यीशु का दर्शन कर पाएंगे? हमारे दैनिक जीवन में कई तरह के लोग ख्रिस्ते मूल्यों को देखने और जानने के लिए बड़ी उत्सुकता से आते हैं। उन्हें कभी भी निराश होकर लौटने का अवसर नहीं देना चाहिए। अगर हमें प्रभु की शांति प्राप्त हुई है या हमारे हृदय में प्रभु का जन्म हुआ है, तो वे हमारे दिल तक सीमित नहीं रह सकते, परंतु उन्हें दूसरों तक पहुंचाना है। इस त्यौहार को धूमधाम से मनाते समय क्या हम उन लाचार और बेबस लोगों के बारे में सोचते हैं? क्या हमने कभी अपने घरों में बने स्वादिष्ट पकवान को क्रिसमस के दिन बेघर बच्चों एवं गरीबों के बीच में बांटा है? यदि हम इस त्यौहार को भले कर्मों में अनुवाद नहीं करते हैं, तो यह त्यौहार महत्वहीन रह जाएगा। प्रिय दोस्तों, क्रिसमस हमें यही संदेश देते हैं कि प्रभु यीशु के साथ रहे। साथ ही साथ क्रिसमस यह भी संदेश देते हैं कि जिनके लिए कोई भी नहीं है, उन्हें प्रभु यीशु का उपस्थिति का एहसास दे। प्रिय दोस्तों, जब हम क्रिसमस मनाते हैं, हमारे आस पड़ोस में रहने वाले लोगों को कभी ना भूलें। आइए प्रभु की उस शांति को पाने के लिए तैयार हो जाएं और कृपा पात्र बनकर हर दिन हर पल सभी को हैप्पी क्रिसमस कहलाने के योग्य बन जाएं। ईश्वर की महिमा हमारे परिवारों, समाज, राष्ट्र एवं समस्त दुनिया में प्रकट हो जाएं और हम कृपा पात्र बनकर उनकी शांति प्राप्त कर सकें। हैप्पी क्रिसमस।